हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पर हम बात कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम टिश्यू सिस्टम को पढ़ रहे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं टिश्यू, हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्लांट टिश्यू के बारे में आपने ये जो चार्ट है, बेसिक सा चार्ट है जो कि आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में बात की, जैसे मेरिस्टमैटिक और परमानेंट टिश्यू की बात की, इसके टाइप्स की हमने बात की है। इनकी लोकेशन क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हमने कहा कि यहाँ पर आपने एक नई चीज़ जो पढ़ी थी वो है यहाँ पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, यानी कि उद्भव के आधार पर हमने जाना था कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू आपके पास आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, उद्भव के आधार पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ये तो एक चीज़ है उद्भव के आधार पर। ये जो आपको तीन प्रकार के मेरिस्टमैटिक टिश्यू बताए गए हैं वो है यहाँ पर लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, दोनों प्रकार के मेरिस्टमैटिक टिश्यू हम पढ़ चुके हैं। एक बार हमें ये देखना है हमारे पास अभी तक जो आया है, जो मेरिस्टेम आया है, वो कौन कौन से मेरिस्टेम आए हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। तो क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग अगर करें तो हमने कहा यह है एपिडर्मिस, यहां पर आपके पास आते हैं कॉर्टेक्स, यह एंडोडर्मिस, और ये आपके पास क्या आते हैं, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू आपका ये नहीं, ठीक है। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर आपको जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू में आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। अंदर आपको जाइलम मिलेगा, बाहर आपको फ्लोएम मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक और नया कलर यहाँ पे दिख रहा है जो कि यहाँ पे ब्लू कलर का है, ये क्या होगा, इंट्रा वैस्कुलर, ठीक है। इंट्रा वैस्कुलर, ये सारे जो पार्ट्स आपके पास आते हैं, ये तो आपके पास आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट्स, क्लियर है। अब हमने कहा कि प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बना था, जल्दी से देख लेते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम को हमने क्या कहा था, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, एम फॉर मेरिस्टेम, ठीक है। वहां पर क्या हुई थी, डिफरेंशिएशन हुई थी, और जब डिफरेंशिएशन हुई थी तो हमारे पास आए थे प्राइमरी ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन में क्या है, आपके रूट है, लीफ है, स्टेम है, और टिश्यू में आपके प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें, अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, सारे प्राइमरी हैं, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइमरी ऑर्गन में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुई, जब प्राइमरी ऑर्गन में डी डिफरेंशिएशन हुई तो आपको क्या मिले यहाँ पर, आपने कहा आपको मिले यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आया आपके पास, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, आपने कहा कि यहाँ पर कॉर्टेक्स में क्या हुई, डी डिफरेंशिएशन हुई। तो जब कॉर्टेक्स में डी डिफरेंशिएशन हुई, अगर हम इसे इरेज कर दें,
आपने कहा जब कॉर्टेक्स में क्या हुई, डी डिफरेंशिएशन हुई, तो यहाँ पर आपके पास जो सेकेंडरी मेरिस्टेम आए हैं वो क्या है, यहाँ पे कॉर कैम्बियम, ठीक है, कॉर कैम्बियम आए हैं। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, जो आपको वैस्कुलर टिश्यू मिल रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू में आपने क्या कहा, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम होंगे, यहाँ पर होती है मेडुलरी रेज, जो बीच में आपको यहाँ पर जो बीच में सेल्स मिल रही हैं, यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है, मिड वाला पार्ट है, वो क्या कहलाता है, पिथ कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पिथ कहेंगे, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती है इनके बीच में, ये जो आपको बंडल दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कुछ क्या पाई जाती है, यहाँ पर सेल्स पाई जाती है जिन्हें मेडुलरी रेज कहते हैं। इस प्रकार से मेडुलरी रेज होती है, ये मेडुलरी रेज क्या करती है, जो आपको ये बंडल दिखाई दे रहे हैं, इन बंडल को, इन बंडल में जो बीच का पार्टीशन है, इसे हम कहेंगे इंटरफैसिकुलर, क्या कहेंगे, इंटरफैसिकुलर। ध्यान रखिए इंट्राफैसिकुलर कौन है, जो अंदर वाला जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिखाया है वो है इंटरफैसिकुलर, और जो नया बना है वो है, जो अंदर वाला है वो है इंट्राफैसिकुलर, जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिखाया गया है, जो डार्क ब्लू में हमने देखा है वो है इंटरफैसिकुलर, जो बाद में बना है वो इंटरफैसिकुलर है। तो हम कह सकते हैं इंटरफैसिकुलर क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है, इंटरफैसिकुलर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा और इंट्राफेसिकुलर क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है। अब हमने कहा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इनमें कौन सी प्रोसेस होती है, री डिफरेंशिएशन, ये आपको सारे नाम याद रखने, इसीलिए हम बार बार इन्हें क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर होगा री डिफरेंशिएशन, और री डिफरेंशिएशन से आपके पास क्या बने, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनेंगे, जब इंटरफैसिकुलर प्लस इंट्राफैसिकुलर, इस पूरी रिंग को हम क्या कहेंगे, वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इस पूरी रिंग को अगर हम कहें कि पूरी रिंग को हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम किन किन चीजों से बना है, इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर। इस वैस्कुलर कैम्बियम से ही क्या बनेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। ये तो बात है जो हमने अभी तक की यहाँ पे बातें पढ़ी हैं। क्लियर है इतनी बातें कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, री डिफरेंशिएशन में क्या हुआ। अब देखिए कॉर कैम्बियम में भी क्या होगा, री डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। री डिफरेंशिएशन को मैं आरडी से लिख रही हूँ, और यहाँ पर भी क्या बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके पास आता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको प्लांट्स के जो पार्ट्स है वो दिए जाते हैं कि बताइए ये कौन से मेरिस्टेम से बना है, प्राइमरी मेरिस्टेम से या सेकेंडरी मेरिस्टेम से। अगर मैं कहूँ स्टोमेटा, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग घर से नोट करके लेके आएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो स्टोमेटा है बताइए वो कौन से मेरिस्टेम से मिलकर के बना है। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है जो जाइलम है यहाँ पर वो कौन से मेरिस्टेम से बना है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे वो है वैस्कुलर कैम्बियम। आपने कहा वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है या सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना है, ठीक है। क्या बातें हमने की है, हमने बोला कि जो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ये बना है इंट्राफेसिकुलर प्लस इंटरफेसिकुलर, क्वेश्चन क्या था कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी मेरिस्टेम होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। हमने कहा दोनों है, प्राइमरी भी है सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है, ना कम्प्लीटली प्राइमरी मेरिस्टेम है ना कम्प्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम है, क्योंकि हमने क्या कहा था इंट्राफेसिकुलर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा प्राइमरी मेरिस्टेम है, और इंटरफेसिकुलर क्योंकि बाद में बना प्राइमरी क्या थे यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गन थे,
प्राइमरी ऑर्गन थे, प्राइमरी ऑर्गन की डी डिफरेंशिएशन के द्वारा इंटरफेसिकुलर का फॉर्मेशन होता है। तो इंट्राफेसिकुलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपने कहा जो प्राइमरी मेरिस्टेम था उसमें डिफरेंशिएशन हुआ। ध्यान रखिए, इसका फॉर्मेशन हो रहा है डिफरेंशिएशन से, इसका फॉर्मेशन हो रहा है डी डिफरेंशिएशन से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन या फिर सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या बात हुई, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन मेरिस्टेम से, ठीक है। किसके द्वारा होता है, रीडिफरेंशिएशन के द्वारा। कैसे होगा, रीडिफरेंशिएशन के द्वारा। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या आया आपके पास, वैस्कुलर कैम्बियम आया है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप चीजों को समझेंगे, ठीक है, बेसिक से तो इजी होगा आपको, बस चीजों को क्लियर करते चले जाना है, कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ये सारी जो चीजें हैं ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रूट में कैसा होता है और स्टेम में कैसा होता है। उससे पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स एंड वर्क टूगेदर एज अ यूनिट। आपने कहा जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं, ये अलग अलग प्रकार की सेल्स एज अ यूनिट काम करते हैं, इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि सारे जो सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगे। इनके पास जो है, जैसे कि आप देखते हैं कि स्कूल है, हम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट आपके पास आते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने कहा कि जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, इनका जो फंक्शन है वो है कंडक्शन, लेकिन इनमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं और अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग कार्य को करेंगे, लेकिन जो इनका विशिष्ट कार्य है, जो इनका मेन फंक्शन है, वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज कंडक्शन। पढ़ लेते हैं, हमने कहा इट कंडक्ट्स वाटर और सैप। जाइलम में क्या होता है, सैप, वाटर और मिनरल्स का क्या होता है, कंडक्शन होता है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है। जाइलम इज फाउंड डीप इन द प्लांट। जो जाइलम है वो क्या होता है, डीप में पाया जाता है। इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। आपने कहा जो फ्लोएम है वो आउटर साइड प्रेजेंट होगा, जाइलम इनर साइड प्रेजेंट होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब जो स्टेम है, तना है, तने की जब थिकनेस बढ़ती है, जब उसकी चौड़ाई बढ़ती है, तो एक्चुअली में यहाँ पे दोनों ही चीजें ग्रो होती रहती है। चौड़ाई कैसे बढ़ती है तने की, जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल है वो एड होते रहते हैं। इनमें से भी क्या होता है, जो जाइलम है वो ज्यादा मात्रा में ऐड होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी उसे पानी को क्या करना पड़ेगा, उतनी दूर तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जाइलम है उसमें यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें, आपने कहा बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। अगर नीचे वाला पोर्शन है तो नीचे वाले पोर्शन में नीचे की तरफ जो लीफ है वो भोजन को पहुंचा सकती है, ऊपर वाले पोर्शन में ऊपर वाली जो लीफ है वो भोजन को पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम में क्योंकि यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, जैसे जिसकी हाइट बड़ी होती है, वैसे वैसे जाइलम के जो बंडल है वो ऐड होते रहते हैं, और ज्यादा क्या ऐड होगा, जाइलम ऐड होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया, जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इट हैज नो मैकेनिकल फंक्शन। इट इज मेड अप ऑफ वेसल्स, ट्रैकीज, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब आपको जाइलम के जो सेल्स है वो बता रही है, जो कि आपके लिए नहीं है, पहले भी आपने पढ़ी है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीज, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ अ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये आपको चार सेल्स बताए गए हैं, किसके, फ्लोएम के। अब क्या होता है, जाइलम में जो वेसल्स होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर जो होते हैं, इसके बेसिस पे आपके पास जो जाइलम आता है वो अब दो एक नए दो नए नाम आपके पास आते हैं, जिसमें आप कहते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इससे पहले आप प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को समझे, थोड़ा सा इन चीजों को एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं थोड़ा सा जाइलम के बारे में। जाइलम में वेसल्स और फाइबर की जो पोजिशन है वो कैसे है, ठीक है। यहाँ पर आपको दो नाम मिलेंगे, एक होगा एंडार्क और एक होगा एक्सार्क। एक होगा एंडार्क और एक होगा एक्सार्क, ठीक है। इससे पहले हमारे पास कुछ और वर्ड्स आते हैं, जिससे कि हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम
दो प्रकार का नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि दो यहाँ पर क्या आती हैं, दो स्टेजेस आती हैं जाइलम में। पहला होता है प्रोटोजाइलम और नेक्स्ट होता है मेटाजाइलम। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोटोजाइलम में अगर हम बात करें वेसल्स की, या हम बात करें जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स की, वो कैसे होते हैं? टोटली मेच्योर नहीं होते हैं, मेच्योर कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि थिन होते हैं। ठीक है, इनका क्या है, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हमारे पास में से थिन स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, वो प्रोटोजाइलम कहलाएगा। आप कह सकते हैं इन जनरल कि प्रोटोजाइलम में जो यहाँ पर वेसल्स होते हैं या फिर जो जाइलम ट्रेकिट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, थिन यहाँ पर होते हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए हैं। मेटाजाइलम में आप कहते हैं कंप्लीटली डेवलप हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि मेच्योर फॉर्म होती है किसकी, यहाँ पर जाइलम की। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, क्योंकि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की लोकेशन भी यहाँ पर आती है आपके पास। ठीक है, चलिए अब हमने ये बातें समझ ली हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की कंडीशन देखते हैं, तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? प्राइमरी जाइलम में। प्राइमरी जाइलम समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर जाइलम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, हमने कहा प्राइमरी जाइलम क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हमने प्राइमरी जाइलम के बारे में क्या बातें की हैं। प्राइमरी जाइलम कैसे बनेगा, आपने कहा प्राइमरी जाइलम जो बनेगा, प्राइमरी जाइलम का मतलब है प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू किससे बनेंगे? हमने कहा प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी ऑर्गन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी जाइलम में दो सिचुएशन आती है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जाइलम को कैसे दिखाया था, कुछ इस प्रकार से दिखाया था। दो कंडीशन आपके पास आती है, मैंने कहा प्रोटोजाइलम, टी एक्स का मतलब है प्रोटोजाइलम और पी एम का मतलब है एम एक्स का मतलब है मेटाजाइलम। ठीक है, एम एक्स या फिर पी एक्स यहाँ पे आ गया है और एम एक्स यहाँ पर आ गया। पी एक्स और एम एक्स का मतलब समझ रहे हैं, एम फॉर मेटा, एक्स फॉर जाइलम। ठीक है, पी फॉर यहाँ पर प्रोटोजाइलम, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। आपने कहा दो सिचुएशन आती है, जैसे कि ये हटा दूं मैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जब हमने इस प्रकार से देखा था, ये क्या है, आप किसी भी जैसे रूट या स्टेम का आप टीएस लेते हैं, तो आपने कहा ये एपिडर्मिस आपके पास आती है, फिर कॉर्टेक्स का भाग आपके पास आता है, फिर एंडोडर्मिस आपके पास आती है, फिर एंडोडर्मिस में आपने इस प्रकार से बंडल देखे थे, किसके, जाइलम और फ्लोएम के, इस प्रकार से बंडल देखे थे। तो यही बंडल हमने बाहर निकाले हुए हैं कि यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति किस प्रकार से होती है। जी आई सी गौरी हार, आपस में बातें नहीं। अब देखिए, यहाँ पर प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, ठीक है, प्रोटोजाइलम इस प्रकार से ये लगे हुए हैं बंडल, अगर आपने कहा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो आप इस कंडीशन को कहेंगे एक्सार। ठीक है, एक्सार यानी कि बाहर की ओर, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, अंदर के मतलब क्या समझ रहे हो, आपने कहा अगर प्रोटोजाइलम यहाँ पर है, पी फोर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, यानी कि ये पिथ आपका आता है, पिथ, ये आपको समझ आ रहा है? चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। ठीक है, और पार्ट्स को नहीं बनाएंगे क्योंकि कुछ देर पहले हमने सारे पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ये आपके पास आते हैं जाइलम के बंडल, ये जाइलम के बंडल हैं। अब हमने कहा ये जाइलम के जो बंडल हैं, जाइलम दो प्रकार का हमने पढ़ा था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम पी फोर प्रोटोजाइलम, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एंडार्क। एंडार्क का मतलब होता है अंदर की ओर, आप रिलेट कर सकते हैं एंडार्क से क्या मतलब है, अंदर की ओर है। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एंडार्क। लेकिन अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, यानी कि अगर अंदर की ओर क्या होगा, इस रीजन में है, अंदर की ओर है, पिथ वाले रीजन में, ये पिथ वाला रीजन है, सेंटर में पिथ वाला रीजन है, अगर अंदर की ओर है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, एंडार्क कंडीशन है। अगर आपने कहा बाहर की ओर है, तो आप कहेंगे इसे एक्सार्क कंडीशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है तो पढ़ लें। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है, या एंडार्क क्या है, एक्सार्क क्या है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, इन स्टेम
प्रोटोजाइलम लाइज इन सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरीफेरी। आपने कहा कि जो स्टेम होता है, जो तना होता है, प्रोटोजाइलम लाइज सेंटर, सेंटर का मतलब है अंदर की ओर, ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये सेंटर वाला पोर्शन है। आपने कहा जो तने होते हैं, तने में जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की ओर होगा और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोटोजाइलम है यहाँ पर होगा, मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार कंडीशन। ठीक है, आपके पास आएगा जब आप पढ़ेंगे रूट स्टेम और लीफ के, जब आप टीएस को पढ़ेंगे, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों को पढ़ेंगे, तब ये भी आपके पास आएगा। जब आप प्राइमरी जाइलम की बात कर रहे होंगे तब आपके पास आएगा कि कौन सी कंडीशन पाई जा रही है, एक्सार्क है या एंडार्क है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या बोला, इन रूट्स। अब ध्यान दीजिए, एंडार्क कंडीशन कहाँ पर मिलेगी, एंडार्क कंडीशन मिलेगी आपको स्टेम में। ठीक है, एंडार्क कंडीशन कहाँ पर मिलेगी, स्टेम में मिलेगी। इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज इन पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट हो गई है। आपने कहा जो प्रोटोजाइलम है वहां पर वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा और मेटा अंदर की ओर होगा। प्रोटो और मेटा में आप समझ रहे हैं, प्रोटो और मेटा में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि प्रोटोजाइलम में अभी जो वेसल्स हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा आपने, चार अलग अलग प्रकार की सेल्स होती है, वेसल्स हैं, ट्रेकिट्स हैं, फाइबर है और पैरेन्काइमा है। देखिए ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास नाइन्थ का ये टॉपिक है। ये जो भी हम देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम कितनी सेल से मिलकर के बना है, ये नाइन्थ का टॉपिक है और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे क्या किया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटो का मतलब है कि यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, वो टोटली अभी क्या हुए हैं, मेच्योर नहीं हुए हैं। मेटा का मतलब है, मेटाजाइलम का मतलब है कि यहाँ पर कम्प्लीटली डेवलप हो गए हैं। ठीक है, तो हमने समझा एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन। हमने कहा इन जिम्नोस्पर्म एल्बुमिनल सेल्स एंड सी सेल्स लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, अब ये बताइए यहां तक की बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज हमने बात की है यहाँ पर जाइलम के बारे में और जाइलम कितने प्रकार का होता है उसकी पोजिशन के बेसिस पे हमने यहाँ पर देखा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।